वेलकम बैक टू स्टॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। तो आज आप हम इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक के बारे में बात करने वाले और लेटेस्ट अपडेट यहाँ पे देखने वाले। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक की बात की जाए तो देख सकते हैं फ्राइडे के दिन तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी। 159.60 पे क्लोजिंग दे चुका था इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक, यानी कि 4.65 पैसे की तेजी देखने को मिली थी। तकरीबन 3% अप क्लोजिंग देता हुआ नजर आ चुका था इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक फ्राइडे के दिन में। वॉल्यूम भी देखा जाए तो 11.7 मिलियन का वॉल्यूम क्रिएट हो चुका था इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक के अंदर फ्राइडे के दिन में, यानी कि 52 भी खाए वहां से देख सकते 50% की गिरावट स्टॉक के अंदर देखने को मिले है। तो देखा जाए तो देख सकते तकरीबन यहाँ पे एक्सपेंसिव परफॉर्मर स्टॉक है तकरीबन, क्योंकि देखा जाए तो देख सकते कि ड्यूरेबिलिटी स्कोर जो है मीडियम फाइनेंशियल स्ट्रेंथ है 55, वैल्यूएशन देखा जाए तो वैल्यूएशन में बहुत ही गिरावट देखने को मिले इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक के, क्योंकि अच्छा स्टॉक परफॉर्म कर रहा था रिसेंटली गिरावट के बाद देख सकते तकरीबन तो वैल्यूएशन भी गिरावट हो चुके। मोमेंटम स्कोर 35 का है। तो चार्ट के ऊपर नजर डाली जाए तो रिसेंटली देख सकते कि तकरीबन चार्ट के ऊपर देखोगे तो रिसेंटली एक अच्छे बुलिश कैंडल फॉर्म हो चुके फ्राइडे के दिन में, फिर भी 160 लेवल पे रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आ चुका है। 160 को ब्रेकआउट देगा तो 168 टू 170 लेवल तक जाने के चांसेस यहाँ पे दिखाई दे सकते हैं इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक के अंदर। तो देख सकते कि तकरीबन इंपॉर्टेंट पॉइंट इन्वेस्टमेंट करने के लिए देखे जाए तो देख सकते तकरीबन स्टॉक में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो है बढ़ने लगी है, पिछले मंथ में ही इंक्रीज हो चुके हैं। नेट प्रॉफिट भी देख सकते कि प्रॉफिट मार्जिन के साथ बढ़ता जा रहा है और कंपनी के ऊपर कोई डेप नहीं है, डेप्ट फ्री कंपनी जो है यहाँ पे आप देख सकते हो। और तकरीबन एनुअल नेट प्रॉफिट भी पिछले 2 सालों से इंप्रूव हो रहा है। एमएससीडी भी देखा जाए तो सिग्नल लाइन को क्रॉस ओवर करके ऊपर जा रहे हैं। म्यूचुअल फंड भी देख सकते कि म्यूचुअल फंड ने अपनी शेयर होल्डिंग पिछले क्वार्टर में बढ़ा चुके हैं। तो ये थे इंपॉर्टेंट पॉइंट इंडियन एनर्जी एक्सचेंज स्टॉक के लिए।